ठीक है, मैं हूं मुझे हसन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुजाहिद ऑफिशियल व्लॉग। उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने अहल याल में खुश रखे। शुक्रिया दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है साइलेज के बारे में। इसका क्या तरीका कार है, इसको किस तरह स्टोर करते हैं और इसकी कटाई किस तरह करते हैं, ये मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊँगा। वीडियो के साथ साथ रहना। जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। जी दोस्तों, आप मकई देख रहे हो, ये साइलेज के लिए तैयार हो गई है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मकई 95 से 105 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। अगर आपने साइलेज के लिए तैयार करनी है तो 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है। अगर आपने चारा जात के लिए तैयार करनी है तो ये 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। मकई को काटने के लिए हार्वेस्टर आ गई है, अब इसकी कटाई शुरू होने वाली है। चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये ट्रैक्टर ट्राली खड़ी है, ये हार्वेस्टर के साथ चलती है। जब हार्वेस्टर चलती है जो उसका जो कचरा होता है इसी ट्राली में आके गिरता है। मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये देखें, हार्वेस्टर चलना शुरू हो गई है। जो हार्वेस्टर चारा बना रही है वो ट्राली में जा रहा है। पाकिस्तान में 2009 तक रवायती तरीक़ा से जानवरों को सब चारा और भूसा यानी कि तूड़ी बतौर खुराक दिया जाता रहा है। फिर जब कमर्शियल डेयरी फार्म बनने शुरू हुए तो सब चारा पूरा करना मुश्किल हो गया, क्योंकि किसान जब चारा शुरू करता था तो उस वक्त चारा पूरी गजायत यानी ताकत नहीं रखता है, क्योंकि चारे की उम्र कम होती है। दरमियान में भरपूर गजायत का चारा मिलता है और आखिर में खुश्क होना शुरू हो जाता है, यानी गजायत या ताकत कम हो जाती है, जिसका बेहतरीन हल साइलेज की शक्ल में निकला है। साइलेज दसर खमीर शुदा चारा होता है, जिसे उर्फ आम में अचार भी कहा जाता है। ये फसल की उस स्टेज पे तैयार किया जाता है जब फसल भरपूर जवान होती है। इसकी गजायत पिक पे होती है और फी एकड़ वज़न भी ज़्यादा होता है। साइलेज मुख्तलिफ फसलों से तैयार किया जाता है, जिनमें मकई, गंदम, ज्वार, जौ, चिकंदर और किन्नू का भूख काबिल ज़िक्र हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन कम फसल और आसान साइलेज मकई का होता है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मकई की छल्ली जब दूध की हालत से निकल रही होती है और पक्की नहीं होनी चाहिए, यानी दाना खुश्क नहीं होना चाहिए, उस वक्त पौधा हरा भरा होना चाहिए, तब साइलेज तैयार किया जाता है। इसमें फसल को काट कर कुतरा किया जाता है, जिसके लिए आजकल पाकिस्तान में हर तरह की मशीनरी दस्तयाब है। सबसे आसान, फौरी और बेहतरीन क्वालिटी का साइलेज हार्वेस्टर से तैयार होता है। इसके अलावा ट्रैक्टर से चलने वाली मशीन पर एक जगह खड़ी करके साइलेज बनाने वाली मशीन जो ट्रैक्टर से चलती है, इसके ज़रिए साइलेज बनाया जाता है। लेकिन ये बेहतरीन ज़्यादा मशक्क़त का काम है। ये निस्बत हार्वेस्टर के ज़रिए साइलेज
बनाया जाता है। हार्वेस्टर से साइलेज अच्छे तरीके से बन जाता है। आप देख भी रहे हो किस तरह हार्वेस्टर मकई का उतरा कर रही है, यानी कि चारा बना रही है। ये तरीका सबसे आसान तरीका है। जब ट्राली चारे से भर जाती है, ये इस बैंकर में आकर ये चारा रखते हैं। इन दोनों भाइयों ने ट्राली के दरवाजे खोल दिए हैं। आप इसको इसी बैंकर में उल्टा देंगे। आप देखते रहना। एक भाई ट्रैक्टर पे चढ़ गया है। और चारा नीचे आ रहा है। चारा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। ये जैक वाली ट्राली है। इस जैक के ज़रिए सारा चारा नीचे इन्होंने डाल दिया है। ये भाई चारा बैंकर में डालकर जा रहे हैं। अब इस चारे को एक ट्रैक्टर की मदद से ऊपर की तरह इकट्ठा करेंगे। ट्रैक्टर वाला भाई आ गया है। इस चारे को ऊपर की तरह धकेल रहा है। आप देख भी रहे हो जिस तरह ये चारा आता रहेगा, ये ट्रैक्टर वाला भाई चारे को ऊपर की तरफ धकेलता रहेगा। ट्रैक्टर चारे में फंस गया है। ड्राइवर भाई इसको निकालने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर ट्रैक्टर का जोर तो लगा रहा है, कोशिश कर रहा है बाहर निकालने की। ट्रैक्टर निकल गया है। जिस तरह ट्राली वाले भाई चारा लेकर आते रहेंगे, ये वाला भाई ट्रैक्टर वाला भाई इस चारे को ऊपर की तरह धकेलता रहेगा। दिया जाता है जिसे कंपैक्शन कहते हैं। साइलेज की तैयारी और क्वालिटी के लिए ज़रूरी है। इसमें हवा यानी ऑक्सीजन दाखिल ना हो, एयर टाइट करना, दूसरा पानी दाखिल ना हो। अगर इस साइलेज में पानी दाखिल हो गया तो इससे साइलेज ख़राब हो जाता है। इसलिए साइलेज को प्लास्टिक शीट से बंद करके गारे की लिपाई कर दी जाती है। ये देखें ट्रैक्टर वाला भाई इस साइलेज को ट्रैक्टर के ज़रिए वज़न डाल रहा है ताकि ये साइलेज प्रेस हो जाए। साइलेज को प्रेस करने के बाद प्लास्टिक सीट से बंद करके गारे की लिपाई कर दी जाती है। आम हालात में साइलेज 25 से 30 दिन में बंद रखने के बाद तैयार हो जाता है। सर्दियों में 40 दिन तक तैयार हो जाता है। अगर साइलेज बनाते वक्त इसमें बैक्टीरिया इन्वेकुलेंट स्प्रे किया जाए तो 8 दिन बाद साइलेज तैयार हो जाता है, बल्कि इसकी क्वालिटी बेहतरीन हो जाती है। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। करता हूँ इस वीडियो का एंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।